हाय गाइस, वी आर वेरी एक्साइटेड कि हम एक फोर्थ सीजन के साथ आए हैं ग्लैडिएटर्स लीग, एंड वी हैव सुपर 20 टीम्स. वी स्टार्टेड विथ 12 टीम्स, देन 60, 14, 16, एंड दिस ईयर वी हैव 20 टीम्स, ऑल गुड टीम्स. थोड़ा मैं बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन सी टीम इस बार पार्टिसिपेट कर रही है. तो स्टार्ट विथ वी हैव एल ओ टी गेमिंग, वी आर ओ पी, ग्रीडी एसेस, ग्रिफिन स्पोर्ट्स, स्लो एमर्स, वावा फ्रॉम पाकिस्तान, खतरनाक, आरुज एकेडमी, कार्निवल गेमिंग, ट्रू रिपर्स, लीथल, फ्रैक थ्योरी, स्मोक ई स्पोर्ट्स, विक्टोरस समर्स, रिटेलिएशन, ओल्ड स्कूल ई स्पोर्ट्स, इन्वेशन ई स्पोर्ट्स, रैंडम फाइव, कम मेड फ्रॉम पाकिस्तान एंड लुशाई. सो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है. एंड इस साल का जो टूर्नामेंट का फॉर्मेट होने वाला है वो डबल एलिमिनेशन होगा. देयर विल बी फाइव ग्रुप्स ऑफ फोर टीम्स ईच. ग्रुप्स के यहाँ पे नाम नहीं लिखे हुए हैं, मैं हम लोग अलग से जो बताएंगे उसमें नाम वगैरह सब लिखा होगा, मार्कोस वगैरह. एंड ईच ग्रुप में देयर विल बी फोर टीम्स, चार टीम्स होंगी उसमें, एंड वो लोग लीग स्टेज खेलेंगे. एंड टू टीम्स फ्रॉम ईच ग्रुप आर गोइंग टू गो फॉरवर्ड टू द नॉकआउट राउंड्स. एंड जो नॉकआउट्स होंगे वो बी ओ थ्री होने वाले हैं. लीग स्टेजेस में बी ओ वन के मैचेस होंगे. ये वीडियो है, हम लोग कभी भी जब ग्रुप बनाते हैं तो वी डोंट कीप थिंग्स इन ह्यूमन हैंड. हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि यहाँ पे एकदम इम्पार्शियल हो. ग्रुप्स जो भी बने वो ऐसे बने जो एक सिस्टमेटिक तरीके से अपॉन लक कौन किसके साथ खेलेगा वो हो, इसलिए आज ये वीडियो हम बना रहे हैं. हर साल का यही रूटीन होता है, जैसे मैं स्टार्ट बटन दबाऊंगा 20 टीम्स जो है वो पांच ग्रुप्स में बट जाएंगी एंड एक ग्रुप से दो ही टीम आगे जाएगी. सो लेट्स गो. बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेज है, ये जानने को मिलेगा कि ग्रुप डिवीजन कैसे होगी. इस साल हर टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत काटे की टक्कर देखने को मिल सकती है. सो वन टू एंड थ्री वी गो फॉर द ग्रुप सिलेक्शन. आने लगे रिजल्ट्स एक एक करके. लवली. सो पहला जो ग्रुप होगा उसमें कम मिट पाकिस्तान से, इन्वेशन ई स्पोर्ट्स, ट्रू रिपर्स और रिटेलिएशन, ये ग्रुप वन होने वाला है. सेकेंड ग्रुप में होने वाले हैं ग्रिफिन ई स्पोर्ट्स, आरुच एकेडमी, लीथल और ओल्ड स्कूल ई स्पोर्ट्स. ये भी बहुत बहुत टाइट ग्रुप होने वाला है क्योंकि टू रिपर्स एक बहुत स्ट्रांग टीम है, देन कमिट एक बहुत अच्छी टीम है पाकिस्तान से, इन्वेशन अच्छी है, रिटेलिएशन, चारों टीम्स लगभग सेम कैटेगरी की हैं. अगर हम ग्रुप टू में जाए तो ग्रिफिन अच्छी टीम है, आरुच एकेडमी एक बहुत अच्छी टीम है, लीथल नई टीम है, बट देन हम जानते हैं कि लीथल में कौन कौन खेलते हैं और सारे जो प्लेयर्स हैं वो बड़े जाने पहचाने हैं. एंड उसका जो ऑपर है वो हमारे ग्रिफिन्स का ही एक्स ऑपर था. देन वी हैव ओल्ड स्कूल. ओल्ड स्कूल शान एंड मास्टर इनका टीम है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा खेलते हैं वो लोग, हमको पता है. सो ये भी काफ़ी टाइट ग्रुप होने वाला है. चलते हैं ग्रुप थ्री पे. ग्रुप थ्री पे आने वाले कार्निवल, बहुत स्ट्रांग टीम है, विक्टर सोमस, दोनों टीम बहुत स्ट्रांग होने वाली है. एलओटी गेमिंग एंड स्मोक स्पोर्ट्स फ्रॉम बैंगलोर. ये टीम, ये ग्रुप जो है अभी तक मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ग्रुप ऑफ डेथ बन सकता है ग्रुप थ्री. ग्रुप फोर में जाए तो खतरनाक, स्लो एमर्स, वीआरओपी, ग्रीडी एसेस, चारों टीम अच्छे हैं और चारों टीम लगभग क्लोज टीम्स है, चारों लगभग सेम इक्विवेलेंट टीम्स है, उनके बीच में अच्छा एक गेम देखने को मिलेगा हमको. और फिफ्थ ग्रुप जो है उसमें लुशाई जो कि नॉर्थ ईस्ट की टीम है, इट्स ए टीम फ्रॉम मिजोरम, वावा पाकिस्तान की नंबर वन टीम है, देन वी हैव रैंडम फाइव एंड फ्रैक थ्योरी. फ्रैक थ्योरी इज ऑल्सो बेसिकली नॉर्थ, उनके एक दो प्लेयर्स नॉर्थ ईस्ट से है, ब्रोकन एंड ग्रज, दीज टू पीपल आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड दे हैव एलिमेंटेक्स एंड दिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड टीम. सो बिल्कुल बहुत काटे की टक्कर देखने वाली है, बट अभी तक जितना देखने को मिला है आई थिंक ग्रुप थ्री कैन बी द ग्रुप ऑफ डेथ क्योंकि सारी टीम्स अच्छी है और बहुत टाइट फाइट देखने को मिलेगी. सो दैट्स इट.
दिस इज हाउ द होल थिंग इज गॉन अ लुक. कल सारे जो मैच के फिक्चर्स है एंड कैसे क्या होगा वो सब हम डिक्लेयर कर देंगे. फॉर नाउ इट्स सॉर्टेड, टीम्स डिवाइड हो चुकी है. आप लोग वीडियो देख लेना, इसको पॉज करके अच्छे से अपने कौन से ग्रुप में कौन कौन सी टीम है उस हिसाब से आप देख लो और अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दो. तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर.